हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी कोई नया बेबी पैरट लाएं या बेबी बर्ड लाएं, कोई भी बर्ड लाएं, तो उनका आपको उनके केज का, जैसे छोटे बर्ड्स रहते हैं तो कैसे आपको उनके जो बॉक्स रहता है उसका कैसा सेटअप रहता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये मैंने दो अलेक्जेंडर बेबी पैरट लेकर आया था 2 दिन पहले। तो ये बहुत छोटे हैं जैसे आप देख रहे हैं, तो बता देता हूँ, ये रहे इनकी अभी प्रेजेंट कंडीशन। ये इतने छोटे हैं, अभी इनके पूरे पर भी नहीं आया, पंख भी नहीं आया। तो मैं बताता हूँ आपको मैंने इनका कैसा क्या सेटअप बनाया है। मेरे घर पे एक बॉक्स रखा था, ये रहा बॉक्स, इतना बड़ा बॉक्स है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं बेसिन लेकर आया था घर के लिए। तो हुआ क्या, मेरे पास थोड़े से ये वाली जो घास रहती है ना, ये घास बहुत इम्पोर्टेंट है, जो रहती है ना घास, ये घास बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे होता क्या है, ये गर्मी को होल्ड कर लेती है घास। तो ये आपके पैरेट के लिए, मतलब जैसे अभी जैसे गर्मी में आप इसको रख दीजिए तो क्या पूरे दिन एब्जॉर्ब कर लेती है पूरी हीट, और ये एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है जो एक पैरेट के लिए सही टेम्परेचर रहता है। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उस केस में मैंने क्या किया है, मैंने एक बल्ब लगा दिया है यहाँ पे। ये बल्ब 10 वाट का है, कभी भी आप 100 वाट या 40 वाट के बल्ब को ना लगाएं, उससे ये होता है कि ये बहुत एक्सेस हीट देता है और उससे आपका जो बर्ड है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब उसको पानी की कमी हो जाती है, और जैसे ही पानी की कमी होती है वो डिहाइड्रेट होता है और बीमार होना चालू करता है, और मोस्टली केसेस में मर भी जाते हैं ज़्यादा हीट होने के कारण बर्ड्स। तो आप कभी भी 100 वाट या 40 वाट का बल्ब न लगाएं। मैंने ये सिर्फ 10 वाट का बल्ब लगाया हुआ है जो मैं रात भर जला के रखता हूँ। और इसी तरीके से मैंने इसको फीड दे दी है रात की 15 ml, मैं एक टाइम फीड, दो टाइम फीड देता हूँ 15 ml 15 ml। अभी मैंने इनको 6-7 बजे तक के अराउंड फीड दे दी है, और ये एक मेल है एक फीमेल है, और बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको रात को थोड़ी सी इनके पास ऑक्सीजन जाती रहे, बस इतना ही करना है आपको। ये देखिए, अब देखिए और देखिए दोनों बच्चे कितने एक्टिव हैं, मैं आपको बताता हूँ कितने एक्टिव हैं दोनों बच्चे। ये देखिए, ये देखिए कितने एक्टिव हैं दोनों, खड़े हो जाते हैं तुरंत, और बहुत प्लेफुल बच्चे हैं। हम जब भी ऐसे कोई चिक्स खरीदें तो हमेशा इसी साइज के खरीदें, ये बहुत जल्दी आपके साथ अटैच हो जाते हैं। और देखिए इनके पंख भी आना चालू हो गए हैं थोड़े 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 थोड़े। जब मैं परसों लेकर आया था तो इनके बिल्कुल भी, ये जो हरा पार्ट दिख रहा है बिल्कुल भी नहीं था बेटा। आप देखिए सब चीज आ चुकी है, ये देखिए दिख रहे होंगे आपको पंख, है ना। तो इस तरीके से आपको अपनी बेबी की केयर करनी है। और ये जो बल्ब है इसका डिस्टेंस आपके जो पैरेट है उससे 2-3 इंच ऊपर ही रहे, है ना, क्योंकि हल्का सा गर्म होता है तो ये इनके फेदर वेदर भी थोड़ा सा इनको, मतलब भी बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं होता, तो ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट आप थोड़ा सा ऊपर ही रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।